नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 मई यानी कल नागरिकता देने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है नागरिकता कानून 1955 और 2009 में हुए संशोधन के तहत जारी किए गए हैं। क्या इसको लेकर के बवाल होने वाला है और कौन कौन से इसमें राज्य शामिल है, सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिहाज से वो लोग योग्य हैं जो गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और बड़ोदरा में रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदा बाजार में रह रहे हैं, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही में रह रहे लोग भी इसके पात्र हैं, साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर समेत कई जिलों में रह रहे लोग आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत इन राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा, जिसमें जिला कलेक्टर या केवल हरियाणा और पंजाब के गृह सचिव जरूरत पड़ने पर मामलों के हिसाब से आवेदन की जांच करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, इसके बाद इसकी सूचना केंद्र सरकार को देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, इसमें जो है छत्तीसगढ़ शामिल किया गया है, गुजरात के 13 जिले शामिल किए गए हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यानी कि इन्हीं 5 राज्यों तक अभी ये सीमित है। और इसके लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है कि कौन कौन और कैसे नागरिक बन सकेंगे, उसमें एकदम क्लियर है कि जो नॉन मुस्लिम है यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो प्रक्रिया है वो DM के थ्रू होगी, उसमें आपने सुना ही। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 2019 में जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था, उसको लेकर के अभी नियम नहीं बने हैं। कोई भी कानून बनने के बाद वो कैसे लागू होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसको लेकर के नियम बनाए जाते हैं। लिहाजा 2019 का संशोधन और उसके नियम जो है अभी ठंडे बस्ते में है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, हवाला दिया है नागरिकता कानून का और 2009 में हुए संशोधन का। सवाल पूछे जाएंगे कि चूंकि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम्स 6 जो धर्म के लोग हैं उनके लिए हैं, ये बात सही है कि एक सर्टेन इलाके में रहने वाले लोगों के लिए है, तो क्या इस बिना नियम जारी किए ही 2019 वाले संशोधन को लागू करने की कोशिश है, या ये एकदम अलग है, वो एकदम अलग है, इस पे इंतज़ार रहेगा सरकार की तरफ से भी और ज़्यादा डिटेल आने का भी। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।